कल रात में यहाँ पे नाइट स्टे किया था। देखो जसपुर आ चुका हूँ मैं शोभित भाई के साथ। शोभित भाई यहीं से है और शोभित भाई का ये रेस्टोरेंट है। शॉर्टकट से चलते हैं नीचे की तरफ, वहाँ से हिचहाइकिंग स्टार्ट करते हैं। मेन रोड पे जाएगा रास्ता। तो भाई आ चुके हैं लंका के ब्रिज पे। देखो कितना बड़ा ब्रिज है, ये देखो क्या नज़ारा है यहाँ का। तो भाई मुख्य द्वार पे आ गए हम। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और अभी जैसा कि मैं हूँ गंगनानी और गंगोत्री के बीच में, तो कल रात में यहाँ पे नाइट स्टे किया था। देखो कई सारे लोग हैं यहाँ पे। तो यार इधर ही रात में खा पी के सो गए थे और अभी सुबह का 7 बजा हुआ है और ठंड बहुत तगड़ी वाली है यहाँ पे, खतरनाक 5 से 6 डिग्री। और अब यहाँ से सफ़र स्टार्ट करेंगे यार गंगोत्री का, सुबह की प्रक्रिया करके। तो यार नाइट में एक भैया मिले थे यहाँ पे, उन्होंने काफ़ी हेल्प की। मतलब यार इधर कोई सब्जी भाजी का मार्केट तो है नहीं। आलू भी मिल गया था, चावल मिल गया था, इतना बना दिया था रात में कि सुबह भी खा लिया हमने। और अब ऑन द वे है, हिचहाइकिंग का इंतजार है। काफ़ी टफ चढ़ाई यार ऊपर की तरफ, थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता कर लिया और निकले हैं। अब सुबह का लगभग 8:30 बजा हुआ है और काफ़ी खूबसूरत से नज़ारे हैं सामने। भागीरथी जी है उस तरफ। तो अभी पूरा 45 मिनट हो चुका है और सिर्फ एक बाइक निकली है, इसमें मैंने उसको बिठाया और वो गया आगे। और बाइक ही नहीं है, बाकी जो आ रही है वो सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ रहे हैं, सारा बुक किए हुए या फिर प्राइवेट व्हीकल, कोई नहीं दिखते। बस एक बाइक आ जाए और फिर बाइक आ जाए, कार आ जाए, कुछ भी आ जाए, बट वो हायर किया हुआ नहीं है वो टैक्सी वाला। देखते हैं अभी और कितना टाइम लगता है। 9:45 के आसपास हो गया है, 9:45 पर निकले थे भैया के वहाँ से। यार 1 घंटे के बाद भैया मिले हैं और भैया हर चीज़ से 10 किलोमीटर पीछे की तरफ जाएंगे। अभी जसपुर आ चुका हूँ मैं शोभित भाई के साथ। शोभित भाई यहीं से है और शोभित भाई का ये रेस्टोरेंट है। ये देखो आप जसपुर में हैं और अभी चाय पानी कर रहे हैं और सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। यार भैया बोलते चाय पानी कर लेते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। हार्डली 30 किलोमीटर बचा हुआ है यहाँ से, तो मैं भी 1.25 घंटे में पहुँच जाऊँगा यहाँ से। तो अभी हूँ भाई मैं जसपुर में, जैसे कि मैंने बताया। और जैसे हम इस तरफ आते हैं गंगोत्री की तरफ, तो यहाँ से गंगोत्री लगभग 30 से 35 किलोमीटर और जसपुर से आई थिंक सेब के बागान स्टार्ट हो जाते हैं। तो सारी खेती है, देख रहे हैं आप नीचे ये पूरे सेब के पेड़ हैं यहाँ पे, जो कि अभी जो उनका सीज़न रहता है वो सेप्टेम्बर से अक्टूबर के आसपास रहता है। और
अभी तो यार मतलब स्टार्टिंग होता है सीज़न, अभी तो आना स्टार्ट होते हैं यहाँ से, और मतलब आप खाने लायक सितंबर अक्टूबर तक खा सकते हो, और सितंबर अक्टूबर तक तो बर्फ़ भी काफ़ी अच्छी हो जाती है यार। यहाँ पे पूरे पहाड़ ढके हुए रहते हैं, देखो पीछे भागीरथी रिवर, और वही है रास्ता जिस पर हम लोग जाना है गंगोत्री वाला। सारे सारे बागान सेब के, पूरे सेब सेब के झाड़ पूरे इस तरफ। और यार मेन हर्षिल वैली तो जानी जाती है यार सेब के लिए उत्तराखंड में, तो यहाँ से ऑलमोस्ट हर्षिल वैली स्टार्ट भी हो जाती है। अभी यहाँ से हर्षिल लगभग 10 से 11 किलोमीटर है मेन जो हर्षिल वैली है, हर्षिल वैली तो यही है बट हर्षिल जो सिटी है वो 10 11 किलोमीटर है अभी यहाँ से। शॉर्टकट शॉर्टकट से चलते हैं नीचे की तरफ, वहाँ से हिचहाइकिंग स्टार्ट करते हैं। खतरनाक रास्ता है तो भैया मेन रोड पे निकलेगा ये, मेन रोड पे जाएगा रास्ता। हाँ ये नीचे इधर से जाओ, इधर से। तो भाई अभी आ चुका हूँ मैं धराली, और धराली से गंगोत्री लगभग 25 किलोमीटर पीछे की तरफ है ये धराली का प्राचीन मंदिर, और काफ़ी सुंदर नज़ारा है यार यहाँ पे अभी, और जो भागीरथी है वो भी काफ़ी भाव में यहाँ पे भी। और यहाँ पे ग्लेशियर से पानी आता है तो कुछ कुछ यहाँ पे इसका कलर डिफरेंट दिखता है। इधर है अपना प्राचीन मंदिर, और कुछ ऐसा सुन ऐसा गाँव है। ये देखो यहाँ पे ग्लेशियर से पानी आता था, कुछ कलर यहाँ पे डिफरेंट है, और आगे की तरफ सेम पानी है जैसा कि हम देखते हैं, और उस तरफ भी देखा ना हमने रास्ते में भागीरथी का, तो वही थोड़ा थोड़ा उस अलग शेड में है पानी यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे अलग है क्योंकि यार ग्लेशियर से आता ना तो ये क्लीन रहता है पूरा, और काफ़ी सुंदर नज़ारा है। सामने की तरफ पहाड़ है वो देखो, वहाँ आएगा वो तो वहीं जाना है हमको, और फिर से हिचहाइकिंग का वेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और चलते हैं आगे की तरफ। तो गाइस गंगोत्री में क्या होता है ना, जब जैसे 6 महीने दिवाली के बाद जब पट बंद होते हैं, जैसे कि मई से नवंबर तक सारे चार धाम के पट खुलते हैं, और जब बंद होते हैं ना तो ये शायद मुखबा विलेज है यहाँ पे धराली में हूँ, जैसे कि अभी मैं तो पीछे की तरफ ये 1 किलोमीटर शायद आई थिंक यही मंदिर है, यहाँ पे वो शिफ्ट करते हैं ठंड के टाइम। जैसे हर एक मंदिर में हम जानते हैं कि जो जैसे केदारनाथ है बद्रीनाथ है यहाँ पे मूर्तियाँ शिफ्ट हो जाती है, जोशी मठ या फिर ऊखी मठ या इस टाइप से, तो यहाँ पे भी मुखबा विलेज में ये आई थिंक शिफ्ट करते हैं, फिर यहाँ पे पूजा पाठ होता है 6 महीने के लिए। आई थिंक वही टेम्पल है, मेरे को कन्फर्म नहीं बट वही टेम्पल है शायद। तो भाई चलते चलते अभी धराली से थोड़ा और आगे आ गया हूँ मैं, और यहाँ पे ये भैया लोग हैं यार, यहाँ पे मतलब राफ्टिंग वगैरह जैसे अपन ने ऋषिकेश वगैरह में देखी थी, तो यहाँ पे भी राफ्टिंग वगैरह होती है। अभी ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर पीछे की तरफ हूँ मैं अपना गंगोत्री से, और धराली के लगभग नज़दीक ही है, तो ये है फर्स्ट टाइम ईवर राफ्टिंग ऑन भागीरथी रिवर, मतलब ये धराली से हर्षिल तक भी चलती है, और इसके आगे भैरव घाटी है वहाँ से भी हर्षिल तक चलती है, तो दो पार्ट में है यहाँ पे।
और इसका चार्जेस भैया वगैरह बताएंगे, इसका चार्जेस वगैरह। ये भैया यहाँ पे, तो भैया बताओ इसका चार्जेस वगैरह क्या सीन है आपका? भैया जो ये हरसिल में राफ्टिंग चल रही है, इसमें जो क्लास टू वाला सेक्शन है ये 6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर बाई रिवर पड़ता है, और उसके चार्जेस यहाँ पे जो डिसाइड करे गए हैं वो 2000 रुपये पर पर्सन के हैं, जिसमें कि ठंडे पानी की कॉस्ट्यूम और शूज़ वगैरह भी प्रोवाइड किया जाता है। और जो भैरव घाटी से हो रही है वो 10 किलोमीटर की राफ्टिंग है, जो कि क्लास 3 की राफ्टिंग है, और थोड़ी जो एक्सट्रीम लेवल की काइकिंग राफ्टिंग करना चाहते हैं उनके लिए है, जिसके प्राइजेस 2500 रुपये पर पर्सन के लगभग होता है। तो भैया आओ, और ये फर्स्ट टाइम ईवर देखो, आपको रास्ते में मिल जाएगा, मेन रोड पर ही धराली से लगभग 1-1.5 किलोमीटर आगे आओगे तो मतलब मेन धराली में ही है, वहीं पे आपको दिख जाएगा मेन रोड पे ही। और मतलब काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है यार इनको, अलकनंदा, पिंडारी, मंदाकिनी और सरयू वगैरह, मतलब बहुत सारी रिवरों में इन्होंने की है। तो आओ यार, अगर इस तरफ आओ तो करो राफ्टिंग वगैरह। तो भाई फाइनली बहुत देर के बाद, बहुत घंटों के बाद लिफ्ट मिली है, उपदेश भाई आए। उपदेश भाई मुकवा से है, जो धराली से थोड़ा सा 1 किलोमीटर अंदर की तरफ, और बहुत टाइम हो गया था यार, थोड़ी थोड़ी बारिश भी आने लगी थी। मैंने 1-2 लोगों से पूछा, वो लोकल गांव के थे भाई, लोग उन्होंने कहा यार भैरव घाटी में आएगा थोड़ा सा गाँव, दो गाँव इधर आएंगे, जब भाई आए गए वो घरों से जा रहे हैं भैया अपने ट्रैकिंग के लिए ले जाते हैं, तो लोग जाएंगे कल सुबह, तो भैया चलते यार इतने फिर गंगोत्री में थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। इधर से तो भाई आ चुके हैं लंका के ब्रिज पे, देखो कितना बड़ा ब्रिज है, ये देखो क्या नज़ारा है यहाँ का, नीचे अपनी भागीरथी। तो भाई वेलकम टू गंगोत्री धाम, और गंगोत्री धाम में पहुंच चुका हूं मैं, अभी लगभग टाइम हो रहा है 5:30-6 के आसपास, और अभी चलते हैं अंदर की तरफ। ये पार्किंग एरिया है यहाँ पे, चप्पल और एक डब जाया डबरी तो भाई काफ़ी सारी खाने पीने की व्यवस्था इधर मिल जाएगी आपको, होटल्स वगैरह, रेस्टोरेंट्स, पूजा पाठ का सामान, सारी चीज़ें इस तरफ है। और अभी ऑन द वे हूँ यार, मंदिर आगे है, और हल्की हल्की बारिश हो रही है अभी यहाँ पे, और काफ़ी सुहाना मौसम है, मेरे को लगता है यमुनोत्री से ज़्यादा ठंड यहाँ पे होगी आई थिंक। तो भाई मुख्य द्वार पे आ गए हम, चलते हैं अंदर। बंदे को देखे, बंदा किधर है, एक मिनट। तो भाई अंदर आ चुके हैं बंदे के, कुछ ऐसा नजारा है। मेन मंदिर कौन सा? यही है मेन मंदिर। तो भाई मंदिर की साइड में सीक्रेट जगह है जो आपको बताऊंगा नहीं मैं, आप ढूंढना गंगोत्री आओगे तो। ये हमें भी बहुत सीक्रेट जगह मालूम पड़ी है, यहाँ पे लंगर चलता है रात में। तो अपना भारत भ्रमण पहुँच चुका है यहाँ पे अभी, एकदम सीक्रेट तरीके से, और कहाँ पे रुकेंगे वो भी बताएंगे अभी, ब्लॉग में बने रहना। अभी सबका लग चुका है मेरा बाकी।
अरे आए सब आए तो क्या परेशान हो भाई। मेरे को लगता है इससे बढ़िया दर्शन नहीं होंगे। अभी मैं गंगोत्री में आ चुका हूँ और मंदिर में देखो बिल्कुल बंद होने का समय है और भीड़ बिल्कुल ना है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ दर्शन वगैरह कर लेते हैं और बढ़िया। अभी दर्शन करने का टाइम अच्छा है और सुबह भी एक बार होगा तो कर लेंगे। बट देखो अभी भीड़ नहीं है तो अभी काफ़ी सुंदर नज़ारा है। देखो इस तरफ दर्शन करता हूँ मैं, फिर मिलता हूँ आपसे।